तिकडे ते फ्लॉवर आहेत म्हणजे त्याचा प्रकाश फक्त कधी होते. कैनवास के ऊपर उतार हुआ कैनवास inauguration. This is the first part and we'll move on to the art magazine inauguration also. This is going to be the third edition of the Global Art Confluence International Art Magazine. So I would like Leslie to introduce her. Thank you Leslie for attending this event. हमारे साथ अभी है मुनिश्री स्वयं प्रभु विजय जी को डॉक्टरेट एवं भारत भूषण पद से नवाजा गया है. कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर स्वामी जी. जैन समाज के बहुत माननीय स्वामी जी हैं और वो खुद चल के आपके पास आए हैं अपने आश्रम से अपने मंदिर से तिबड़ी से आए हैं. कितना किलोमीटर सर? 4 किलोमीटर खुद चल के. आपको पता है स्वामी जी तप गुरु तप गुरु जी. आई रिक्वेस्ट कि आप यहाँ आए सर. और लेडी से बहुत दूर रहते तो हम बहुत दूर रहेंगे आपसे सर. पीछे बहुत बड़ा गैप है. एक्चुअली मुझे ये कहना था कि जैसे गुरु जी को पता चला कि आज ये इवेंट हो रहा है, स्मृति जी कर रहे हैं और थैंक्स टू प्रीतम जी उन्होंने हमें इन्वाइट किया तो गुरु जी खुद आए टू ब्लेस. ये बहुत सौभाग्य की बात है. एंड जब उन्हें पता चला कि हमारे इंडिया के शान विश्वनाथ आनंद जी यहाँ पे है सर बहुत खुश हो गए. एंड ही हैज कम स्पेशली टू ब्लेस हिम एंड हिज फैमिली. सो अभी आप बोले गुरु जी. सब पाव प्रणासनो मंगलानं च सपेशि परमं भवै मंगलम. जो भी मैं हिंदी में बोल रहा हूं, जो भी एक आर्ट यानी कि कला है,
हिंदी में बोलते हैं तो कला, इंग्लिश में बोलते हैं तो आर्ट कहा जाता है। आर्ट कला वो भी एक प्रकार से कहीं ना कहीं मां सरस्वती की कृपा से ही आता है। यदि कोई भी प्रकार की कला की शुरुआत यदि होती है ना स्टार्टिंग, तो अपने मगज के विचारों के माध्यम से होता है। कोई भी प्रकार की कला का निर्माण यदि होता है तो अपने विचारों के माध्यम से होता है, और वो विचारों का माध्यम हमें एक प्रकार से मां सरस्वती देती है। तो हम सभी की एक इच्छा है हमारी और पूज्य मुनिराज तब प्रभु विजय जी महाराज साहब की कि हम आप सभी को एक अच्छा प्रकार का मां सरस्वती का मंत्रोच्चार सुनाए। तो इस प्रकार ज्ञान की मुद्रा सभी कीजिए, इस प्रकार पहली अंगुली और अंगूठे के साथ इस प्रकार करना है। मां सरस्वती की ज्ञान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा के माध्यम से मां सरस्वती की शार्प बुद्धि, याद शक्ति, इंटेलिजेंट पावर, वो सब कुछ मिलता है। तो चलो हम सभी एक साथ में इसी प्रकार करते हैं, सुनिए। ओम ह्रीम श्रीम श्रोम श्रोम हम शम था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु स्वाहा। लेस्ली त्रिपाठी जी का कॉल आया और उन्होंने कहा कि इस प्रकार का फंक्शन है, बहुत अनहद आनंद हुआ कि हकीकत में हमारे भारत देश के अंतर्गत विध विध स्टेट के अंतर्गत विध विध राज्य में इस प्रकार की कलाओं का ज्ञान एक साथ में सामूहिक तरीके से यदि इस प्रकार देखने का मिलेगा, बहुत ही आनंद हुआ। इसलिए हम भी बाय वॉक सीपी टैंक से 4 किलोमीटर चलते हुए इधर आए कि हमारी भी एक इच्छा हुई कि चलो ऐसी प्रकार की कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। ये कला किस प्रकार की है, लोगों को भी एक प्रकार का ब्लेसिंग देते हुए आगे बढ़े, क्योंकि हमारी इंडिया की एक शान एक प्रकार से आर्ट यानी कला कही जाती है। और मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूं कि इनके साथ जो हमारे साथ में विश्वनाथ आनंद जी है, तो वो भी एक प्रकार से इंडिया के अंतर्गत चेस के अंदर चैंपियन है, एकदम मास्टर है। क्योंकि कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकदम इंटेलिजेंट होता है, शार्प बुद्धि वाला होता है, यानी कि आगे क्या मुझे चलाना है, किस प्रकार, समझ लो कि घोड़ा है तो ढाई अंक तक चलता है या तो जिस प्रकार भी है, वो एक प्रकार का ज्ञान उनके अंदर है। सामने वाले का माइंड भी एक प्रकार से परख सकता है, वही व्यक्ति चेस के अंदर आगे और निष्णात मास्टर बन सकता है। तो हमारे साथ वो भी विश्वनाथ आनंद जी वो भी आए हैं, खूब खूब हम भी उनको साधुवाद देते हैं कि आप भी खूब खूब आगे बढ़िए। दूसरी बात कि स्मृति जी ने ये पूरा की पूरा कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया है, तो मैं उनको भी खूब खूब ब्लेसिंग और उनको भी साधुवाद देते हैं कि ऐसा प्रकार का, नहीं तो एक एक कला अलग अलग स्टेट में से, अलग अलग सिटियों से, अलग अलग जगहों से एक साथ में सबको मिलाना बहुत हार्ड काम है, परंतु तो भी उन्होंने सरलता से इधर हमें सभी को दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसके द्वारा ये जो जो भी आर्टिस्ट है उन सभी को भी एक दूसरे का परिचय हुए। इधर देखिए सर, गुरुदेव इधर एक मिनट, हाँ इधर देखिए, सामने देखिए, हाँ सर सामने, हाँ
दादा बीच में हाथ बटा ली प्लीज आप हाँ इधर देखिए एक बार सभी इधर देखिए नहीं उनको समझा रहा हूँ सबके हाथ में दे देंगे एक एक कॉपी सबके हाथ में देख लेते आप जाइए एंडवेयर रूम जो है वहाँ पे हमारा एग्जीबिशन था पिछले साल अक्टूबर महीने में तब हमने सेकंड एडिशन लॉन्च किया था एंड दिस इज़ द थर्ड एडिशन क्या न्यूज़ है लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट्स है आर्ट गैलरीज उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है सो जब भी हम आर्ट एग्जीबिशन करते हैं द स्पेशल थिंग अबाउट आर्ट रेवोल्यूशन एंड ग्लोबल आर्ट कॉन्फ्रेंसेज वी रिलीज वन एडिशन ऑफ दिस मैगजीन बट लाइक द आर्ट मैगजीन आपके लिए लाइफ टाइम के लिए एक संग्रह की तरह कैसे ना रह जाता है सो दिस इज लाइक अ न्यू कॉन्सेप्ट ये आर्टिस्ट की पेंटिंग है ये राम ओंकार जी है उनका पेंटिंग है बैक कवर में और अंदर आप अगर देखोगे हर एक आर्टिस्ट के प्रोफाइल्स है स्मृति जी आज स्मृति जी के लिए जो भी सब यहाँ पे आए हैं हम सभी स्पेशल गेस्ट का अभी फेलिसिटेशन करेंगे एंड आई रिक्वेस्ट यहाँ पे हमें ज्वाइन करें रविंद्र जैन जी सोशल वर्कर प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज दया यादव जी ब्रिज द्विवेदी जी जर्नलिस्ट लाइव ब्लॉग तालियां प्लीज बिकॉज़ आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू हैव दिस मोमेंट रेशमा अंसारी सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम स्मृति जी प्लीज I request Narayan Bhosle ji bhi yahan pe aaye Subhash Bhosle ji yahan pe aaye bahut zaruri hai sab aaye Brij Dwivedi ji I also request you have golden spot pe apna felicitation ho jaye Smriti ji se Shubham ji दया यादव जी आपसे रिक्वेस्ट की आपका भी गोल्डन स्पॉट से फेलिसिटेशन हो जाए रविंद्र जैन जी आई होप आपका फेलिसिटेशन हुआ गोल्डन स्पॉट आई रिक्वेस्ट नारायण जी भी आए ही हैज कम विद हिज फैमिली ग्रुप ऑफ सिंगर्स फैमिली ऑफ सिंगर्स नारायण जी सुनीता जी प्लीज ज्वाइन अस स्मृति जी आई रिक्वेस्ट यू टू फेलिसिटेट देम उनका उनके परिवार आए हैं माँ लाइक मैम सुनीता नारायण भाई जयस भाई दोनों का आई एम एंजल इन्वेस्टर वी इन्वेस्ट इन सम स्टार्टअप्स एंड सम आर्टिस्ट सर आपने सुभाष जी टीचर हैं आर्ट डिजाइनिंग के तो उनको कुछ बोलना चाहिए नमस्कार
I like all these arts. The all this looks like all arts are made of the bottom of a heart. And since I am in the field of design technology, I can understand the quality and the depth of art much better. All the best to all the participants, and thank you very much for inviting me. कसाब को पकड़े थे मंगेश नाइक जी ने इसी होटल में अपने ग्राउंड में आइए सर।